हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ काला चना और हरे मूंग का चीला। तो काले चना हमने कम डाला है और मूंग ज़्यादा डाला है, और लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। इनको पीस लिया है, इसमें हमने नमक भी ऐड कर लिया है। तो ये ब्रेकफास्ट मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है, हेल्दी भी है और खाने में भी अच्छा लगता है, और फीलिंग भी इसमें आप अपने पसंद का डाल सकते हैं। तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, फीलिंग में हमने थोड़ा सा बीटरूट और प्याज डाला है, और चटनी के साथ इसे आज हम लेंगे और छाछ बना लेंगे। छाछ के साथ भी अच्छा लगता है, गर्मियों में ना छाछ बहुत अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारा चीला तैयार हो गया, और ये चीला बहुत ही सॉफ्ट भी होता है, खाने में हल्का सॉफ्ट होता है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। जैसे मैं ना वो स्प्राउट वगैरह खाती हूँ ना, उससे अच्छा मुझे ये लगता है कि मैं चीला बना लूँ। उसको भी जो स्प्राउट निकलने के बाद भी ना मैं पीस के चीला ही बना देती हूँ। चीला मुझे अच्छा लगता है और ये सबको अच्छा लगता है। तो देखिए इसमें हमने बीटरूट थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है, ग्रेट कर लिया है, और इसमें प्याज हमने भी डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पनीर वगैरह भी क्रश करके डाल सकते हैं, या पत्ता गोभी डाल सकते हैं। सब्जियाँ आप अपने पसंद का इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक हेल्दी हमारा नाश्ता ये बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए हमारा ये चीला बनके रेडी हो गया। वैसे भी दूसरा बना लेंगे हम, तो चलिए बना लेते हैं। और नाश्ता करने के बाद देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ काम फिनिश कर लूँ तो मैं चली जाऊँ माँ के पास। माँ से मिलने का भी मन है, माँ भी बुला रही है, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि माँ से मिल भी लूँ और एक दो दिन रुक भी जाऊंगी, तो हो सकता है मैं निकलूं। तो आप लोग ब्लॉग से बने रहिएगा, हो सकता है मैं आज ही जाऊं। और देखिए यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो गया, यम्मी सा। और अब हम निकल चुके हैं माँ के यहाँ। तो हमारे यहाँ ना माँ का घर ना आधा घंटा लगता है, यानी 30 से 35 मिनट लगता है। और देखिए ये सीरो है, तो हमने रिक्शा ही बुक कर लिया है, और एक सीट पर सीरो को इस तरह से बांध दिया कि आराम से बैठ कर जाएगा। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, भतीजा है, भाभी है, और हम लोग ना खाना खाने के बाद रेस्ट कर रहे हैं। दोपहर का टाइम है, सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं हम लोग। और ये भतीजा जो है ना, उसको बोल रहा था मुझसे कि मैं बुआ मैं ब्लॉगिंग करूँगा। तो सब लोग यहीं पे रेस्ट कर रहे हैं खाने के बाद। हाय गाइस, वेलकम टू सुपर मॉम व्लॉग्स। ये है मेरी नॉटी बुआ। और ये है सरी भतीजा। नहीं, ये भी शरीफ है, ये भी शरीफ है। अभी ये साइकिल चलाने जा रहा था, जा रहा था ना जी तुम। हाँ, 5:30 बजे जाऊंगा, क्योंकि अभी ब्लॉग्स बनाना है। अभी ये ब्लॉग बनाएगा, ये ब्लॉग बनाएगा। और यहाँ का गोलगप्पा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज हमारे यहाँ शाम में गोलगप्पे की पार्टी हो रही है, तो माँ है और सब लोग हम लोग बैठे हुए हैं, गोलगप्पा खा रहे हैं। माँ है, भाभी है, भाई है, सबको खिला रहा है। सब लोग हम लोग गोलगप्पा खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी यहाँ का गोलगप्पा लगता है। तो आज हमारे सामने तो गोलगप्पे की पार्टी ही हो गई। सब लोगों ने खूब मन भर के गोलगप्पा खाया है, और टेस्टी टेस्टी गोलगप्पा खा के सब लोग खुश हो गए हैं। और पानी भी ना कई तरह का है, तो खाने में भी टेस्टी लगता है। यहाँ माँ बैठी हुई है, और यहाँ पे हम लोग ना बुक बाइंड कर रहे हैं, कॉपी। ये भतीजे का कल से ना सेशन शुरू हो रहा है, इसकी कॉपी ना कवर करना, इसके स्कूल में कॉपी को भी कवर करना होता है। तो मैं बोल रही थी कि लाओ, मैं बैठे बैठे कर दे रही हूँ, यहाँ पे तो कोई काम होता नहीं है मेरे लिए, तो मैं बैठे बैठे कर देती हूँ। तो सब लोग यहाँ बैठ के इसका कॉपी को हम लोग ने कवर कर दिया, सब लोग मिलजुल कर इसका फटाफट हो गया। ये ना टेप लगा रहा है उस पर, हम लोग कवर कर रहे थे क्योंकि बहुत सारी कॉपी थी, 17-18 इसकी नोटबुक, उन सबको कवर करना था। तो हम लोग बैठे बैठे बातें करते करते यहाँ पे इसकी सारी कॉपी भी कवर हो गई, क्योंकि अब बच्चों का स्कूल भी खुल रहा है। स्कूल खुलने से पहले सब कुछ कंप्लीट करना होता है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पे बन रहा है चीला। ये मसूर दाल का चीला है, तो ये बना रही है चीला। और बाकी सबके लिए आदि को खाने का मन था, यहाँ का कचौड़ी, जलेबी और सब्जी। तो मार्केट का यहाँ पे कचौड़ी जलेबी बहुत अच्छा मिलता है, तो उसके मामा जाकर ले आए हैं। मामा से बोला कि मामा मुझे खाना है कचौड़ी जलेबी यहाँ का, तो मामा उसके ले आए कचौड़ी जलेबी। और बाकी लोग जो मम्मी पापा नहीं खाते बाहर के चीज़, वो लोग के लिए चीला बन रहा है, वो लोग वो खाएँगे। तो यहाँ पर उन लोग के लिए चीला बन रहा है, जो लोग कचौड़ी नहीं खाएँगे, बाहर का चीज़ नहीं खाते हैं, पापा नहीं खाते हैं, माँ नहीं खाती है, तो और बाकी लोग जो जो खाएँगे उनके लिए कचौड़ी आ गया है। तो यही हमारा ब्रेकफास्ट है सुबह का,
और आगे भी आप लोग ब्लॉग से बने रहिएगा, ब्लॉग देखने को मिलेगा यहाँ का भी। मैं हूँ यहाँ पे तो ब्लॉग देखने को यहीं का मिलेगा मैं के। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।